नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, जैसा ही आपने हमारी पिछली वीडियो में प्यार दिया, आशा करता हूँ इस वीडियो को भी इतना ही प्यार देंगे। और दोस्तों, जैसे हमारे जो वीडियो आई थी जिसके अंदर आपको नया मोटर कंट्रोलर के कनेक्शन करना बताया गया था, वह सिखाया गया था, तो उसी तरह से दोस्तों एक नया वीडियो लेके मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, जिसमें रिवाइंडिंग करवाते हैं उनके कनेक्शन प्रॉपर से नहीं हो पाते, उस कारण वो मोटर हीटिंग होने के कारण फूक जाती है। और उसी मोटर का मैं वीडियो लेकर आपके बीच में आया हूँ, और जिसमें आपको मोटर के कनेक्शन करना या बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, तो देखना इस वीडियो को पूरी। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था वीडियो के बारे में, तो आप देख सकते हैं इस मोटर के राउंड बिल्कुल सीधे हैं, और जितनी स्पीड में घुमाएंगे इसकी आवाज़ भी बिल्कुल सही आ रही है। तो अभी हम इस मोटर के आपको कनेक्शन बैक में बना के दिखाएंगे, और देखते रहें पूरी वीडियो कैसे कनेक्शन को चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम आप देख सकते हैं इसके अंदर येलो में येलो वायर, ब्लू में ब्लू वायर, और ग्रीन में ग्रीन वायर है। और उसी तरह से हमारे इस सेंसर वायर में भी तीनों कलर सेम है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके चक्कर वापस उल्टे बनाने के लिए हम पहले कंट्रोलर की वायर को चेंज करेंगे, उसके बाद हम सेंसर की वायर को चेंज करेंगे। तो पहले दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने येलो वायर खोल ली और साथ में ब्लू वायर को भी खोला, और ब्लू वायर को हम येलो वायर में कनेक्ट करेंगे, और येलो वायर को हम ब्लू वायर में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने यहाँ पर चेंजिंग किया, तो ये नहीं है कि अगर हम कंट्रोलर के चेंज करेंगे तो हमारे चक्कर सेम हो जाएंगे, हमारे को साथ में सेंसर वायर के भी कनेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। कनेक्शन जो हमने यहाँ पर येलो वायर और ब्लू वायर को चेंज किया है, तो हमारे को इस सेंसर के अंदर अपना येलो वायर को छोड़कर ब्लू वायर और ग्रीन वायर को चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने चेंज किया, और ये चक्कर हमारे वक्त उल्टे बिल्कुल प्रॉपर ओके हो चुके हैं। ये देख सकते हैं वीडियो में, ये चक्कर हमारे प्रॉपर हैं, और मोटर का साउंड भी सही आ रहा है। आप देख सकते हैं ये चक्कर हमारे बिल्कुल सही हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो कलर एक चेंज किया है तो ही हमारे चक्कर बनेंगे, या इसमें से एक कलर चेंज किया है। अभी हम आपको एक चक्कर और बना के दिखाएंगे, जैसे कि हमारे ये ब्लू और येलो वायर चेंज किया था, अब हम येलो को ग्रीन में और ग्रीन को येलो में लगाकर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारी ग्रीन वायर येलो की जगह कनेक्ट करी है, और जो येलो वाली है वो हमने ग्रीन की जगह कनेक्ट कर दी है। ये देख सकते हैं आप, इसमें हम तीनों कलर कोड बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। येलो कलर में जो है हमारा ब्लू वायर हो गया, ब्लू वायर में हमारा ग्रीन वायर हो गया, ग्रीन वायर में हमारा येलो वायर हो गया है। तो उसी तरीके से दोस्तों हमने इसमें भी चेंज करना है, तो इसमें हमने चेंज करने के लिए इसकी दोनों साइड वाली वायर को चेंज करना पड़ेगा। ये जो हमारी साइड वाली वायर है, बीच वाली सेम रहेगी हमारी, और ये साइड वाली वायर हमारी येलो वाली ग्रीन में और ब्लू वाली येलो में। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे चक्कर बिल्कुल सेम आ गए हैं। ये हमारे पहले वाले राउंड बन चुके हैं, जो हमारे पीछे कंपनी से जो चक्कर आते हैं, जो भी कनेक्शन होते हैं कंपनी के, वो कनेक्शन हमारे सेम बन। कुछ ही दिनों में ये नई वीडियो देख रहे होंगे, आपको फुल कोर्स इस कंट्रोलर का कराया जाएगा, जिसके अंदर ये आईसी लगी है, और जितने रेजिस्टेंस वगैरह ट्रांजिस्टर वगैरह जितने भी लगे हैं, आपको इससे पूरी डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा किस सर्किट का क्या काम होता है, किस आपको बताएंगे पूरी वीडियो के अंदर। बहुत जल्द हम आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।